साला घूंघट ना हुआ, घुटन हो गई। इसके बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? साला इस जिंदगी ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्यों? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? और तुम ये कैसी भाषा बोलती हो? घूंघट तो कर लिया मगर शर्म? बिल्कुल भी नहीं। शर्म? क्यों आएगी शर्म? और बच्ची कहाँ है शर्म? शर्म का तो रोज सौदा होता है, रोज नीलाम होती है। शर्म, हया और ये इज्जत। वाह वाह, खुद के काम इतने घिनौने और दोष दुनिया को। तुम नहीं समझोगी, मुझे भी गर्व था खुद पर, इस हसीन चेहरे पर, इस खूबसूरती पर। मैं भी इतराती थी मगर मगर क्या? ये साला मर्द जात है ना, सब खत्म कर दिया। वो कैसे? दिल लगा बैठी एक हरामी के साथ। खो गई जवानी के जोश में, खूब सपने दिखाए उस हरामी ने मुझे। उसकी मीठी मीठी बातों में खोकर पागल होकर भाग निकली। और उसने खूब इस्तेमाल किया मेरा, और जब दिल भर गया तो छोड़ आया मुझे उस मुन्नी बाई के कोठे पर। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं था, तुम क्यों आई उसके बहकावे में? उम्र ही कितनी थी मेरी, 14-15 साल, और ऊपर से प्यार के वो हसीन सपने। 10 साल हो चुके हैं और ना जाने कितने मर्द। बस बस, इतना सब करने के बाद भी घूंघट ओढ़े बैठी हो तो और क्या करूं? पूरा शहर जाता है उस मुन्नी बाई के कोठे पर, यहाँ जाऊं वहां जाऊं कोई ना कोई पहचान ही लेता है। इसीलिए मैंने इस घूंघट का सहारा ले लिया और निकल पड़ी जिंदगी की एक नई तलाश में। मेरा तो हुआ, पर तुम बताओ, तुम क्यों इतना हसीन चेहरा छुपाए बैठी हो? मैं तो ऐसी दुखिया हूं जो औरों के गुनाह की सजा पा रही है। गुनाह कोई और करे और सजा कोई और भुगते। क्यों? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रेप, रेप हुआ मेरे साथ, वो भी गैंग रेप। एक दो नहीं, 5-5 लोगों ने नोचा है मेरे शरीर को, वो भी एक हफ्ते तक। आज भी उनकी उंगलियों के निशान मेरे शरीर पर है। मुझे अपने शरीर से जो गंदी बदबू आती है, आज भी मेरे शरीर के एक एक अंग पे उनके उंगलियों और नाखूनों के निशान है। जिस चेहरे को देखकर मेरा खुद का मन नहीं भरा करता था, अब उसी चेहरे को देखकर वो घिनौने चेहरे याद आते हैं मुझे। बस इसीलिए इसे ढक कर रखती हूं ताकि ना कोई और इसे देख पाए और ना मैं। मगर खुद को छुपाने से क्या फायदा, और खुद क्यों इस घुटन में जी रही हो तुम? तो क्या करूं, इस घटना ने इतना मशहूर कर दिया मुझे कि हर कोई मुझे हवस की नजरों से देखता है। औरों की नजरों में मुझे सांत्वना नहीं, वासना दिखाई देती है। इसीलिए भाग आई मैं वहां से अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने। सच में बड़ा बुरा हाल है औरतों का इस दुनिया में। खैर, अब तुम भी बता दो, तुम क्यों इतना लंबा घूंघट ताने खड़ी हो? मैं अपने परिवार की, मतलब अपने ससुराल वालों की झूठी मान मर्यादा के लिए पर्दा डालकर बैठी हूं। मैंने पर्दा किया है ताकि उनकी पगड़ी ऊंची रहे। मैं घुटती रही ताकि वो
वो इज्जत की सांस ले सके। वाह, तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, जरा खुल के बताओ ना क्या हुआ था तुम्हारे साथ। इस दुनिया में हम औरतों को खुलने की इजाजत नहीं है। अरे यार, अपनी कहानी थोड़ा खुलकर बताओ, हुआ क्या तुम्हारे साथ? बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा, अब पता नहीं मैंने उन्हें पाला या उन्होंने मुझे। और जब जवान हुई तो उन्होंने मुझे बेच दिया। उन्होंने मुझे एक ट्रक ड्राइवर के थ्रू गांव के एक आदमी को बेच दिया, मतलब कि उससे मेरी शादी कर दी। उम्र में मुझसे दोगुना शराबी, चरसी और पता नहीं क्या क्या ऐब। किस्मत ने मुझे ऐसा वर दिया और घर में स्वागत हुआ तो सास के लेक्चर के साथ। एक बात ध्यान तो सुन ले, यू तेरा ससुराल है, घर नहीं है, अराड़क का दे तो रहना पड़ेगा। अरे इस घूंघट ने ना नैड तय ऊपर ना जाने दिए, समझ गई ना? ना किसे तो फालतू बोलेगी और ना बात करेगी ना किते जागी और मुंह ना दिखा दिया अपना किसे तय। अरे काड़ू, एक बात तो सह, बहू तो सुथरी सह, पर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके ना गणे लाड़ ना लड़ाइए, ना तुम्हारे सिर पर बैठ कर नाचेगी, समझ गया ना? समझ गया मैं, तू जाए तो जा। ठीक सर। उस रात के बाद जिंदगी जैसे नरक हो गई थी। वो दारू पीकर आता और पूरी रात मुझे नोचता और पूरा दिन मेरी सास मुझे कचोटती रहती। बिना घूंघट के तो घर के आंगन में आ ही नहीं सकती थी। दम घुटने लगा था मेरा उस घर में। मेरे खसम के चाचा का एक लड़का था, मेरा ही हम उम्र, मुझे भाभी भाभी कहकर बोलता था, मेरे साथ हंसी मजाक करता और दिन कब गुजर जाता मुझे पता ही नहीं चलता था। अच्छा, मतलब तुम्हारा दिल आ गया था उस पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा मन हल्का कर लेती थी। एक दिन हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। और अचानक मेरी सास आ गई। हाय कुलक्षिणी, है की है यो? इस घूंघट ने कहा था ना तड़ा रखिए, है समझ नहीं आती तने? बना लिए ना यार, ढाई से गुल छर रही। नहीं माँ जी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है,
हम तो बस बात कर रहे थे। बात कर रहे थे तेरे तक कही थी ना, ना किसे तो शक्ल दिखाओगी ना बात करेगी, नहीं आती तेरे समझ में, मैं बेवकूफ दिखू तने हैं? सारी समझू मैं, आन दे सांझ ने कल्लू ने, ना तेरा चामू तैर दिया ना मेरा नाम बदल दिए। और शाम को वो बहुत दारू पीकर आया, आते ही बुढ़िया ने पता नहीं क्या क्या लगा दिया। सारा शरीर नीला कर दिया, मैं हाथ जोड़ती रही, मन्नतें मांगती रही, पर वो नहीं रुका और ना ही मेरी सास का दिल पसीजा। साला हरामी। और उसके बाद तो जैसे हर रोज तीसरे दिन यही कहानी होती, मेरी सास उसे रोज भड़काती और वो रोज दारू पीकर मेरी हड्डियां तोड़ता। मैं जैसे तैसे करके सहन करती रही, लेकिन एक दिन बबलू ने भी अपनी औकात दिखा दी। बाबी देख तू कितनी सुथरी है, जवान है, अरे मेरा भाई बुढ़ा शराबी मन्ने बेरा है, तू इस घर में बाबी कदे खुश नहीं रह सकती, ना वो बुढ़ी तेने बसने देवे। चल तू मेरी गेल चाल, इतने दूर चल लेंगे, शहर में रहवांगे, किसी ने बेरा भी नहीं पाटता है। बबलू मेरा हाथ छोड़, पहले तेरी वजह से घर में कलेश हुआ पड़ा है, मैं तुझ पे कितना विश्वास करती थी, पर तूने मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, चले जाए यहाँ से। अरे आज तो मैं तने अपनी बना करूंगा। अरे आज तो मैं माँ जी पहले कहूँ थी है, भूल गई तू उस दिन की पिटाई ने, वैश्या रंडी तू, आने दे छोरे ने, आज सांझ ने फैसला होकर रहेगा है, याद कर लिया अपने उस राम ने। मैं भी शाम होने का इंतजार करने लगी। उस रात वो थोड़ी लेट आया और आते ही बुढ़िया ने पूरे दिन की घटना सुना दी। से पहले वो मुझ पर वार करता, मैंने जोरदार एक डंडा उसके सिर पर मार दिया, वो एक ही वार में गिर गया, पता नहीं बेहोश हुआ या मर गया। मैं दौड़कर बाहर आई। काड़ू ठीक से बेटा, बुढ़िया एक ही वार में गिर गई और फिर मैं ऐसा भागी कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा फिर। अरे हाँ, अगर पुलिस तुझे ढूंढ रही होगी तो? ढूंढेंगी कैसे, इस घूंघट की वजह से ना तो गांव वालों ने मुझे देखा है और ना मेरे परिवार में मेरी कोई तस्वीर, पर बबलू के सिवा। साली अभी भी बबलू को याद कर रही है हा? अरे छोड़ो ना बबलू को, मुझे तो तुम दोनों मुझ जैसी दुखिया मिल गई, चलो कुछ करते हैं। हाँ हाँ जरूर, एक से भले दो और दो से भले तीन, तो मिलाओ हाथ। और हाँ, जब जिंदगी से लड़ने की ठान ही ली है तो फेंको इस घूंघट को भी,
क्योंकि हमें भी खुल के सांस लेने का अधिकार है।